हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कंसेप्ट बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, नाउ वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक नजर मार लेते हैं। तो क्या देखा था कि जनरली 9 फिगर आएंगे, 9 से कम या ज्यादा भी आ सकते हैं। इन सारे 9 फिगर को एक एक करके एक सेक्शंस में डालना है जो सिमिलैरिटीज हैं, और एक बार एक फिगर यूज कर लिया तो दूसरी बार उसको यूज नहीं करना है। सिमिलैरिटी कम हो या ज्यादा हो डजंट मैटर, लेकिन सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। तो उनको प्रॉपर ग्रुपिंग करना है, उसके बाद जो है प्रॉपर ग्रुपिंग के बाद आउटपुट निकालना है कि कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा। तो चलिए एमसीक्यूज के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, ओके, सिलेक्ट द गिवन फिगर्स इनटू 3 सेक्शंस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। ठीक है, तो ये सब दिया है। देखो मेरी नजर एकदम, आपकी भी नजर शार्प होगी, ये सेम लग रहा है। तो 2 and 3 यहाँ पर भी है, 2 and 3 यहाँ पर भी है। तो चलो इसको भूल जाते हैं, इजी। हाँ, ये फास्ट ट्रैक है। उसके बाद 5 and 6 सिमिलर लग रहा है। तो 5 and 6 देखो, 5 and 6 यहाँ पर है, तो चलो इसको भी भूल जाते हैं। तो हो गया, ये आंसर तो कन्फर्म है, फिर भी क्रॉस चेक। 1 4 सिमिलर है, चलो डन, दैट्स ग्रेट, इजी। आगे बढ़ते नेक्स्ट लेवल, पढ़ लो इसको। अ सीरीज ऑफ फिगर्स आर गिवन विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, सिलेक्ट द ग्रुप्स इनटू विच द फिगर्स कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। सेम बातें हैं, बस हमको यहां पर देखना है दोज विच इज सिमिलर, लेस और मोर डजंट मैटर, उसको बस एक प्रॉपर क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 फिगर हैं, तो 3-3 के बन सकते हैं। तो देखो सब ऑप्शंस भी 3-3 टाइप दिए हुए हैं। तो चलो अभी यहाँ पर ऑप्शंस के हेल्प से भी कर सकते हैं। 1 4 8 ए को पकड़ते हैं, 1 4 8 1 4 8। गड़बड़ है, इसमें ऐसी कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये गया तुम्हारा 1 4 6 1 4 6। ट्राइंगल का 2, सर्कल का 2, हेक्सागन का 2, हाँ ये बन सकता है। तो 1 4 6 1 4 6, तो चलो ये भी गया है, समझ रहा है। तो अभी अपने पास, हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बचा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 258 को देखते हैं। 258 ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, तो चलो ये भी सही जा रहा है। अब लास्ट 379 को देख लेते हैं। 379 ऑलमोस्ट सही जा रहा है। तो भैया 257 389 क्रॉस चेक करना है, कर लो। 257 257, ना, ये तो खत्म, ये भी खत्म। तो बी आंसर परफेक्ट है, लेट्स चेक इट आउट। ओ ग्रेट, ऑप्शन बी इज राइट, चको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस हमें डायग्राम पे फोकस करना है, 9 डायग्राम है। ऐसे अब ऐसे कर लें, कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा करना है करो, अच्छी बात है। देखो ये इसका पैटर्न कैसा है, इसका भी पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा है, इसका भी पॉट। तो 138 एक को पकड़ लें, 138 138, अरे ये तो इधर ही और कहीं भी नहीं है। चलो मतलब डी आंसर राइट है, बाकी सब रॉन्ग है, फिर भी चलो देख लेते हैं। 257 257 पैटर्न सेम है ना, चलो ये भी सही जा रहा है। 469 469, हाँ पैटर्न सेम है, ये भी सही है। आँख बंद करके डी, और डी ऑप्शन डी इज राइट। अरे भाई हम तो फास्ट फॉरवर्ड हो गए, इजी है ना, इंटरेस्टिंग एकदम मजेदार। फोर्थ वन, 3 सेक्शंस में बनाने को बोल रहा है, तो 9 है तो 3 सेक्शंस दिख ही रहा है। सिंगल डॉट भी दिख रहा है मुझे, डबल डॉट भी दिख रहा है, ट्रिपल डॉट भी दिख रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ना, सिंगल डॉट का पैटर्न बनाते हैं, डबल डॉट का, ट्रिपल डॉट का। चलो देखते हैं, सिंगल डॉट 2 3 5, लेट्स चेक इट आउट। 2 3 5 और नहीं दिख रहा है ना, हाँ 2 3 5 2 3 5 2 3 5, ये देखो 2 3 5, ये देखो 2 3 5। डबल का भी देख लें, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9। तो मोस्ट ऑफ मतलब ये तो गया 2 3 4 1 7 8 देख ले, 1 7 8, नहीं चलो बी कंफर्म है। एक जस्ट 4 6 7 देख लेते हैं, 3 3 3, अरे बॉस ऑप्शन बी, वी आर राइट, दैट्स ग्रेट, चमत्कार हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके ये इंटरेस्टिंग है सर, ABCDEF लग रहा है। वेट 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 वेट, 9 है इसमें भी, अपने को 3 3 का बनाना है। 1 3 4 देखें पहले, ऑप्शन ए से खेलते हैं। 1 3 4 क्या बोलता है, 1 1 3 4 AI ट्राइंगल। आगे बढ़ते 259
2 5 9 2 5 9 अलग ही है, 1 2 3 1 2 3 भी अलग ही है, 1 5 9 1 5 9 भी अलग ही है, ओके 3 7 8 लास्ट चेक कर लेते, 3 7 8 अलग ही है, ठीक है। चलो अभी हम लोग मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आ रहा है इसको पकड़ते हैं वापस स्टार्ट से, 1 3 4 1 3 4 वन में देखो कितना है, 1 2 3 तीन लाइंस हैं, ठीक है। थ्री में देखो 1 2 और ये स्ट्रेट तीन लाइन, उसके बाद क्या फोर है ना, फोर में देखो कितना है, 1 2 3 तीन तीन लाइंस वाला, तो बात अपने को समझ में आ गई कि 1 3 4 मैचेबल है। अब 2 4 5 9 में पहले 2 को पकड़ते, 2 कैसा है, 1 2 3 4 5 तो बॉस 5 एंड 9 में भी 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 वाओ 9 9 ना, अरे इधर है 1 2 3 4 एंड 5 परफेक्ट, ये भी सही है, 6 7 8 6 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 चलो भाई निकल लो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चलो नेक्स्ट, ग्रेट 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 सही है, अच्छा है, ओके इसमें भी 9 है ना, जनरली 9 क्वेश्चंस पर 9 डायग्राम पूछे रहा है तो तीन तीन का ही बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही पकड़ लूं, चलो 1 4 7 पहले ऑप्शन ए के साथ खेलते हैं, 1 4 7 1 4 7 नीचे ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, ऊपर ऐसा शेप है, ऊपर ढक्कन है, फोर में भी शेप है, अलग है लेकिन ऊपर ढक्कन है, सेवन में भी शेप है और ऊपर ढक्कन है, ठीक है सर, ढक्कन तो मुझे 8 में भी दिख रहा है, 5 में भी दिख रहा है और 2 में भी दिख रहा है, लेकिन 8 5 और 2 डिफरेंट दिख रहा है, ये देखो 8 5 2 मतलब 2 5 8 1 4 7 का तो समझ में आ गया, 2 5 8 2 5 8 में देखो चाय की वो जो जिसमें चाय रहता है ना, कप वेसल बोलते हैं उसको, टी वेसल जो भी है, देखो हाँ ये देखो 2 5 8 सिमिलर लग रहा है, अरे भाई ये तो अच्छा हो गया, तो स्टार्टिंग में मिल गया अच्छी बात है, 3 6 9 3 3 6 9 ओके फ्लावर जैसा पैटर्न और लुक सही है, बस मुझे तो ए राइट लग रहा है, देखो 1 4 7 वेसल विद लीड्स, 2 5 8 कैटल लाइक वेसल, 3 6 9 फ्लावर्स, ऑप्शन ए इज राइट, एकदम फास्ट हो गए यार अपन तो, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पर 7 डायग्राम दिए, तो 7 डायग्राम मतलब 2 2 का पेयर बना तो 6, तो मतलब 1 में 3 जाएगा, तो अच्छा ए में देखो 1 2 6 3 4 7 और 5 सिंगल दिए है, बी में 2 2 और 3 दिए है, ओके ये ठीक है, सी में 2 2 और सिंगल और 2 दिए है, डी में ठीक है पेचीदा है, इसको हम ऑप्शन से नहीं डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ये देखो 1 और 3 सेम लग रहा है और कुछ नहीं, तो 1 3 1 3 1 3 1 3 ये देखो 1 3 1 3 चलो बाकी को भूल जाओ, समझ रहे हैं ना, तो अभी बी और डी पे फोकस करते हैं, तो अभी सीधा 2 6 पे आए, 2 और 6 नहीं 2 6 नहीं है, 2 6 नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो भैया बी भी गया, तो डी परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट है इतना तो श्योर हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, फिर भी क्रॉस चेक करते, 2 5 2 4 5 2 4 5 पैटर्न सेम है, सही है, 6 7 तो बचा गया, ये भी तो पैटर्न सेम ही होगा, चलो भाई इसको लगा डाला तो लाइक चिंगा लगा चलो आगे बढ़ते ओके 9 है, 3 3 का है, चलो ठीक है, ये तो मुझे ऐसे भी ये वाला तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये देखो 1 2 5 1 2 5 सिमिलर है, 1 2 5 और कहीं है नहीं है, अरे बॉस चलो ये खत्म हो गया, हाँ और कुछ है नहीं तो सही है, 3 7 8 देखते हैं, 3 7 8 सही है, ये भी सही है, 4 6 9 तो बचा गया, 4 6 9 परफेक्ट, ऑप्शन ए चमत्कार। ये थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा, कितना दिया 9 दिया है तो 3 3 का पेयर है,
क्रॉस का साइन वी शेप, टू लाइंस, फिर पी, थ्री लाइंस, क्रॉस साइन जेड, ऑप्शन पे जाते हैं, 1 3 4, 1 3 4, क्रॉस इक्वल टू जेड, नहीं, अच्छा क्रॉस में कितना लाइन है, 1 2, ये 2, ओके 2 लाइन, जेड में 3 लाइन है, क्लियर हो गया, 2 लाइन को पकड़ते हैं, 2 लाइन, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये देखो 1 में 2 लाइन था क्रॉस का, वी में भी 2 लाइन है और 3 में भी, तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3 और जगह नहीं है, तो भैया बी आंसर राइट है, बी आंसर राइट है, क्रॉस चेक करते हैं, 4 5 6, 4 में 3 लाइन है तो 5 में भी 3 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3, 6 में भी 3 लाइन, सही है, 7 8 4 5 6 ना, हाँ 7 8 9, 4 लाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, एक नंबर बी हो गया, चलो आंसर है, ठीक है, इज दैट क्लियर, चलो आगे बढ़े, कितना स्पीड तो पकड़ना पड़ेगा अपने को बॉस, 9 है और इसमें से अपने को 3 3 का बन रहा है, दूर से भी समझ में आ रहा है मुझे कि ये देखो, ये देखो और ये देखो सेम लग रहा है, बॉक्स के अंदर ट्राइंगल, हेक्सागोन के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, है ना, सेम पैटर्न लग रहा है, तो 1 3 9 1 3 9 दो जगह बैठा है, तो मतलब ये तो रॉन्ग होगा, ठीक है देखते हैं, अब कौन सा पकड़ें, 2 को पकड़ लें, 2 के अंदर बीच में है प्लस का साइन है, तो 5 में भी प्लस का साइन है और 6 में भी प्लस है, 2 5 6, ये है, ये तो होगा ही, 4 7 8 क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 7 8, 4 7 8, एक नंबर जबरदस्त, ये भी राइट हो गया, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आपको ये पैटर्न तो समझ में आ गया, इज दैट क्लियर, तो आई बिलीव चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, सो इसी के साथ चीजों को कंप्लीट करते हैं, टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव, टेक केयर।